प्रदेश में योगी राज आने के बाद लोगों में इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन शामली के थाना भवन में रहने वाला इस परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। दरअसल 5 साल पहले 11 साल की उजेमा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं उजेमा की मां अपनी बेटी को इंसाफ ना मिल पाने के कारण काफी दुखी है। मेरे बच्चे जाके गैप हो गई है, फिर किसी ने पता नहीं दिया, ना मेरे कोई साथ लगा। हम अनपढ़ है, गवार है, आज हम खो के नहीं बैठ गए अपने बच्चे को। जो हमें मिल जाता ना कोई सुराग, तो आज हम भी जेल से बैठ जाते। जैसे पुलिस ने तो एक ही आरोपी बनाया, तो आपको किसी और पे भी शक वक है? हाँ, शक है सुल्तान पे। सुल्तान पे शक है, जो सुल्तान न होता तो मेरे बच्चे नहीं पकड़ी जाती। सुल्तान पे, अरे तनवीर, ये 2-3 है, ये अपना आप पकड़े जाएंगे। फिलहाल पीड़ित परिवार सरकार से आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है। शामली से सरफराज अली, पंजाब केसरी टीवी।